हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं चंडी देवी मंदिर। देखिए चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम चंडी देवी मंदिर। बहुत ही ऊंची चढ़ाई पर है माता का मंदिर। आज हम बताएंगे इसके बारे में। चलिए, ये मंदिर करीबन एक घंटे की चढ़ाई है गाइस। ये हरिद्वार जिले में स्थित है। ये कहावत है कि जब राक्षस सिंह निसुंभ ने देवताओं के राज शासन पर कब्जा कर लिया था, तो देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की काफ़ी। उसके बाद में उनकी प्रार्थना से माता पार्वती ने चंडी का रूप लिया। उसके बाद माता ने चंडी का रूप लिया गाइस। फिर चंडी ने फिर उनकी सुंदरता देखकर राक्षस सिंह ने माता शादी करनी चाहिए। माता ने इनकार किया तो उन्होंने उन्हें मारने का प्लान बनाया। सभी ने इकट्ठे होकर माता को मारने की प्लान बनाया। उसके बाद में माता ने सभी राक्षसों को मार दिया। उसके बाद में जिस नील पर्वत पर गाइस वो कुछ समय के लिए विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में हम चल दिए। उसके बाद माता पार्वती ने यहाँ पर विश्राम किया नील पर्वत पर, से नील पर्वत बोलते हैं उसको। उसके बाद ही चंडी मंदिर का नाम लिया गया, चामुंडा मंदिर भी कहते हैं इसको। देखिए दिखा रहे भैया, ये देखिए भाई जी जा रहे हैं। इसकी चढ़ाई कर लगभग एक घंटे के करीब चलती है गाइस। और यहाँ पर अब हम आगे आपको दिखाएंगे माता चंडी के दर्शन। हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं गाइस, बहुत ही लंबी है, बहुत ही। चलिए चलते हैं गाइस। मंदिर अभी बहुत ऊंचाई पे, वो देखिए पीछे दिख रहा है। हम चलते आ रहे हैं चढ़ाई। जय माता दी। बहुत बढ़िया है।